हेलो गाइस, आज है डे 9 और आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये दोनों लिपस्टिक एज अ आई शेडो और ब्लश। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज है डे ग्रीन और या पिकॉक ग्रीन। आज का दिन माँ सिद्धात्री को समर्पित किया गया है। आज माँ को तिल का भोग लगाया जाता है। माँ सिद्धात्री को माँ सरस्वती का भी रूप माना गया है। माँ सिंह की सवारी करती है और वो कमल पर भी विराजमान होती हैं। माँ की चार भुजाएं हैं, एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख, एक हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ में चक्र भी धारण किया हुआ है। अभी मैंने शुरुआत की मेरे मॉइस्चराइजर से लगाने से, उसके बाद मैंने लगाया मेरे टी जोन पे ये प्राइमर। ये प्राइमर इनसाइड का है और मैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। आज मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट कुछ करते हैं, इसलिए मैंने शुगर के लिपस्टिक लिए और उनको ब्लश और आई शेडो की तरह यूज़ करने का सोचा। तो अभी मैंने अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से पोर मिनिमाइज़र लगा दिया है। इसके बाद मैंने लिया मेरा फाउंडेशन और फाउंडेशन आज मैंने कलर करेक्टर भी नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली फाउंडेशन लगाया क्योंकि आज मुझे मेरी आँखें जो हैं वो उतनी ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं दिखे। इसके बाद मैंने डॉट 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 करके मेरे पूरे चेहरे पर फाउंडेशन लगा दिया। आज आप देख सकते हो मैंने एक डिफरेंट ब्लाउज़ पहना है, ये मैंने स्टिच करवाया था इधर से ही और ये फुल स्लीव्स ब्लाउज़ है। बताइएगा ज़रूर आपको पसंद आया या नहीं। फिर मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके पूरे चेहरे पर जो है वो ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया और ये बहुत ही अच्छे तरीके से और फास्ट इफ़ेक्टिव वे में ब्लेंडिंग होना चालू हो गया। आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग हो रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि डॉट डॉट लगाने से जो है वो फाउंडेशन जो है वो ड्राई हो जाता है, पर अब भी मैंने जब इतनी बार मेकअप किया है मैं डॉट डॉट करके ही लगाती हूँ। तो इसके बाद मैंने मेरा फाउंडेशन सेट करने के लिए पाउडर का, लूज़ पाउडर का इस्तेमाल किया। आज मैंने एक बहुत बड़ी गलती से शायद मेरे सीखा है कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि मेरी गलती क्या थी। और मेरा यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर ख़राब हो गया है, मुझे अभी नया ख़रीदना है, तो देखते हैं कब ख़रीदना होता है। इसके बाद मैंने पाउडर लगा के, लूज़ पाउडर लगा के मेरा पूरा जो फाउंडेशन था वो उसको सेट कर दिया है। अभी मैं ले रही हूँ पिंक, हॉट पिंक शेड शुगर का और मैंने ये एक आँख पे लगाया, दोनों आँखों पे लगाया और एक आँख पहले ब्लेंड करने लगी। ब्लेंड करते करते मेरा मुझे इतना समय हो चुका था कि मेरे दूसरे आँख पर है जो वो पूरा सूख चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई करने में। मैं अभी बहुत ट्राई कर रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा और लगाया और मैंने ब्लेंडिंग कम्प्लीट कर दिया। इसके बाद मैंने मेरे आँखों पर लगाया थोड़ा सा ग्लिटर और इसके बाद मैंने लगाया मेरा आईलाइनर। बताइएगा ज़रूर कि आपको ये पिंक कलर विद पिकॉक ग्रीन पसंद आया या नहीं। ये कॉन्ट्रास्ट मैंने आज सोचा था। अभी मैं जिस गलती के बारे में बात कर रही हूँ वो गलती ये है कि जब मैं आई मेकअप कर रही थी तो मैं ये लिपस्टिक मैट होने की वजह से और ये ड्राई हो जाती थी तो मेरे पूरे जो आई का जो ये पार्ट है वो मुझे फिर से क्या कहते हैं उसको, बेस हटा के फिर से बेस करना पड़ा। तो अभी मैंने अपने चिक पर लगाया ये लिपस्टिक, ये पूरा फेल हो चुका था। ये मैं अभी जो आपको बता रही हूँ ये वही था कि मुझे अभी ये पूरा बेस हटा के फिर से बेस लगाना पड़ा और मैंने पूरा बेस फिर से लगा दिया, मेरा फाउंडेशन वेस्ट हो गया। इसके बाद मैंने लिया इनसाइड का ब्लश, मुझे मेरा अभी ये फेवरेट ब्लश हो चुका है, मुझे ये ब्लश बहुत पसंद
पसंद है, ये आपको जितना आप चाहते हैं उतना ही जो ब्लश का मतलब काम होता है गाल को पिंक या व्हाटएवर कलर जो है उसको दिखाना उतना दिखाता है। इसके बाद मैंने शुगर का लिपस्टिक लिया। ये जो लिपस्टिक है ना ये लिप्स के लिए अच्छे हैं, ये बाकी कहीं और उतने अच्छे नहीं दिखते। तो इसके बाद मैंने लिया हाइलाइटर और हाइलाइटर लगाने के बाद मैंने उसको किया ब्लेंड, अपने हाथों से ही ब्लेंड किया, क्योंकि पता नहीं मुझे ये आदत हो गई या क्या हो गया, ब्रशेस लेने का के बाद भी मुझे ऐसे ही पसंद है। बताइएगा ज़रूर आपको ये मेरा लुक कैसा लगा। और अभी ये था मेरा फुल लुक। बताइए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।